जहां चीन ने एक तरफ भारतीय सीमा पर दे दिया है आदेश जो कि बड़ी हलचल मचा रहा है और आने वाले जंग को न्योता दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने इतिहास में सबसे बड़ी फौज क्यों उतारी है वो भी अपने खास एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम के साथ आखिर क्या कुछ चल रहा है इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से जैसा कि हाल में इसराइल यूएई और भारत और अमेरिका ये चार देशों का एक नया क्वाइड भी बना वैसे पुराना क्वाइड भी है क्योंकि क्वाइड कहा जाता है चार देशों का समूह है क्वाइड संबोधित किया जाता है चार को तो इसे भी एक क्वाइड नाम दिया गया है लेकिन इस क्वाइड के बनने के बाद जियो में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं जहां एक तरफ ईरान के जो धर्मगुरु वो चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं कि यूएई को इसराइल के साथ इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए अरब देशों को इजराइल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए और इसके लिए वो इस्लाम की दुहाई भी दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते है की ईरान के जो धर्म गुरु है खामने के ये कह रहे हैं की अरब देशों को इसराइल के साथ रिश्ते को तोड़ देना चाहिए और अरब देशों से उनका मतलब यूएई से है और सऊदी अरब से है पर शायद ईरान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो न तो यूएई को बर्दाश्त हो रहा है और ही सऊदी को तो वहीं उनके कुर्सी के ऊपर कोई भी खतरा हो वो भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई और सऊदी दोनों विकास के रास्ते पे चलना चाहते हैं डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उन्होंने इसराइल का साथ पकड़ा इसराइल का साथ इसलिए भी पकड़ा क्योंकि दुनिया बहुत अच्छे से जानती है इस वक्त टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल जैसा शक्तिशाली कोई भी नहीं है एक वक्त आएगा अगर युद्ध छिड़ जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल रूस को भी परास्त कर देगा क्योंकि एक बार इसराइल ने रूस को ये कहा था कि आप इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ मत पैदा करो वरना ऐसा हो जाएगा हम ऐसे एडवांस हथियार निकालेंगे जिसकी कल्पना दुनिया ने की भी नहीं होगी और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है अभी जो ड्रोन वॉरफेयर चलता है और दुनिया ड्रोन युद्ध को देख रही है ये ईजाद किया गया है इसराइल के जरिए ही इसराइल के ड्रोनों ने इसराइल के ड्रोनों ने जो अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध में कोहराम मचाया उसे पूरी दुनिया ने देखा और उसके बाद तो ड्रोन के पीछे दुनिया के कई महत्वपूर्ण देश पागल हो गए पर अब इसराइल ने अपने इतिहास में जो सब जो कभी नहीं किया था वो कर रहा है और इसराइल इतनी बड़ी सेना लेकर पहली बार उतरा है और वो भी भारत यू के साथ वैसे इसमें फ्रांस भी है और ब्रिटेन and और अमेरिका भी है साथ ही साथ जर्मनी भी है दरअसल खामने खेई जो कि ईरान के धर्म गुरु है उन्होंने कहा कि जो देशों ने इज़राइल के साथ समझौता किया है वो बहुत शर्म की बात है वो पाप है और ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए वापस से इज़राइल को छोड़ देना चाहिए लेकिन ये सब कुछ तो नहीं हुआ पर इन देशों ने अपनी सेना जरूर उतार दी है सत्तर फाइटर जेट्स और पंद्रह सैनिक अकेले इसराइल की तरफ से तो वहीं बाकी देश में फ्रांस, यूके, यूएस, जर्मनी और यूएई भी है वैसे तो यूएई के एयरक्राफ्ट इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन यूएई के एयरफोर्स चीफ इस युद्धाभ्यास को देखने जरूर आ रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा कान खड़े हुए हैं तो दो देशों के हुए हैं। एक तो ईरान के और दूसरा पाकिस्तान के ईरान के इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ईरान ये मानता है कि ये सारे देश मिलकर अब ईरान के ऊपर कार्रवाई करने की सोच रहे हैं और ये युद्धाभ्यास कहीं न कहीं ईरान के लिए बड़ा खतरा है तो वहीं पाकिस्तान ये सोच रहा है और चीन ये सोच रहा है कि नया क्वाइड बना है और इस नए क्वाइड में इस तरह का युद्धाभ्यास चीनी क्षेत्र के लिए भी खतरा है और पाकिस्तानी क्षेत्र के लिए भी खैर इस वक्त पूरी दुनिया ही छोटे छोटे समूह में बट युद्धाभ्यास कर रही है और जंग की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी एक बड़ा हंगामा मचाया हुआ है बॉर्डर पर अभी तो भारत और चीन के बीच तनाव चल ही रहे हैं इन सब तनाव के बीच सी जिनपिंग ने पहले तो अमेरिका से पंगा लिया है और सीधे ये कहा है कि कोई एक देश दुनिया की नीतियों को निर्धारित नहीं करेगा अब ऐसा क्यों हो गया तो आपको बता दें, दरअसल तैतालीस देशों का समूह सिंह मामले को लेकर यूएन में खिलाफ आया चीन के यूएन में खिलाफ आया चीन के और ये कहा कि वहाँ पर एक टीम भेजी जानी चाहिए जांच के लिए जिसके बाद से ही जिनपिंग बौखलाया हुआ है और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने सोमवार को अमेरिका पर डायरेक्ट ताना कसना शुरू किया और उन्होंने कहा कि यूएन को अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करना चाहिए सभी देशों से बात करनी चाहिए और सभी देशों के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए ऐसा नहीं कि कोई एक देश नियम बनाए और उसको सारे देश पालन करे यूएन में एक सौ तिरानवे देश है ये सारे देश मिलकर नियम बनाएंगे, न कि एक देश ऑर्डर देगा और वही नियम बन जाएगा जिनपिंग ये गुस्सा निकाल रहा था तैतालीस देशों के उस प्रस्ताव पर जो यूएन में पास भी हो चुका है और चीन की साख यूएन में जिस तरीके से टूट रही है उसकी वजह से पर अब जिनपिंग यही नहीं रुका जिनपिंग ने एक नया नियम लाया हुआ है बॉर्डर ये बॉर्डर जो कि चौदह देशों के साथ चीन की लगती है लेकिन अगर पीओके की बात करे तो पीओके हासिल करने के बाद ये बॉर्डर हो जाएगा तेरह देशों के साथ पर जो नया नियम चीन ने बनाया है उस नियम से भारत के अभी के बॉर्डर में भी खतरा है वहीं दूसरी तरफ पीओके में भी बड़ा खतरा है पर भारतीय सेना ने भी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है ये पहली बार है जब चीन को कोई इतना ताकतवर प्रतिद्वंदी मिला है वरना अब तक चीन ने छोटे छोटे देशों के साथ ही लड़ाई लड़ी है दरअसल जिनपिंग के नए कानून के हिसाब से अगर चीनी सीमा में कोई घुसता है कोई घुसता है घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो फिर चीनी सेना हथियार उठा सकती है अब हथियार उठाने का मतलब है कि भारत और चीन के बीच जो पहले समझौता था कि चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे वो समझौता अब खत्म हो चुका है वैसे आपको बता दें पहले जो समझौता हुआ था उसका भी कोई मायने नहीं था क्योंकि पिछली बार जब गलवान की घटना हुई थी उस समय भी फायरिंग हुई थी जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी फायरिंग की थी बाद में इस मामले को रफा सफा कर दिया गया और कहा गया कि अब अब से हम पुराने समझौते का पालन करेंगे अब से वैसा कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी इस समझौते से कोई मतलब नहीं बनता था पर अब चीन ने ये खुल्लम खुल्ला कह दिया है इसका मतलब है कि हमें भी अब पूरी तरीके से तैयार रहना होगा और वैसे आपको बता दे जितनी बड़ी सेना इस वक्त भारत ने तैनात करके रखी है मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत चीन से लगती सीमा पर उसे देखकर इस तरह के नियम बनाकर डराने की कोशिश कोशिश कर रहा है चीन लेकिन जैसे पिछली बार उन्होंने गोलियां चलाई तो यहां से भी गोलियां चली ये नियम लागू करके चीन खुद के लिए ही बड़ी मुसीबत बुला रहा है न कि भारत के लिए पर हाँ इतना जरूर है कि भारत को चाहे हथियार खरीदने पड़े या फिर बनाने पड़े अपने आप को पूरा तैयार रखना होगा वैसे आपको क्या लगता है यू क्या सचमुच इजराइल का साथ देगा या बाद में किसी तरह का धोखा देगा कमेंट कर अपनी राय जरूर बताए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो वीडियो में नई खबर